तो बात हो रही है क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग की बात या सूचीकरण की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। तो पहले चीजों को व्यवस्थित करना जरूरी है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये लाइब्रेरियंस के लिए है, कैटलॉगिंग जो है वो यूजर के लिए है ना। तो पहली बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन की, यानी कि वर्गीकरण की। वर्गीकरण में तीन महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। पहली कौन सी है? सो दिस इज ओन डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। 23वां संस्करण है, 2011 में 4 वॉल्यूम में जारी हुआ, जिसको हम लोग डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। 1876 में मेलविल डेवी ने बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं देखिए, आपके छोटे छोटे सवाल हैं और कई सारे प्रश्न आपकी तरफ से आ रहे थे कि सर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, कैटलॉगिंग क्या है और इसके अंदर मुख्य अंतर क्या है। तो मैं बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंस आपको बता रहा हूं। तो ये शॉर्ट वीडियो है जहां पर मैं आपके इसी प्रकार के ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न आपके लिए जो लगातार आ रहे हैं, चैट में आपने हमसे रिक्वेस्ट करी है, उनके लिए मैं आपको वीडियो लगातार दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, देखिए आपने बीलिप के स्टूडेंट हैं, एमलिप के स्टूडेंट हैं, जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये टॉपिक, बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक पढ़ रखा है और एवरीबॉडी नोज, यानी कि जितने स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। तो आज छोटी सी बात करूंगा मैं कि पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकालय सूचीकरण के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए दो चीजें हैं। और अगर मैं बेसिक और फंडामेंटल चीज बात करूं तो लाइब्रेरी जो है क्या है कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के सूचना स्रोतों का संग्रह है। लाइब्रेरी का अगर बहुत सिंपल टर्म में बात करें तो लाइब्रेरी का मतलब कलेक्शन है। अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं और अगर हमने उन्हें व्यवस्थित क्रम में, अगर निश्चित क्रम में उन्हें व्यवस्थित कर रखा है, तो वो हमारी एक लाइब्रेरी है जहां हम रिसोर्सेस को उपभोक्ता को या यूजर को जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एवरीबडी नोज कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारा कलेक्शन होता है, एक विशाल कलेक्शन होता है, और अगर कलेक्शन ज्यादा है तो उसे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। अगर आप उसे क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे तो आप उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सभी लोग जानते हैं, अगर आपके पास चीजें ज्यादा है और अगर आपने उन्हें व्यवस्थित नहीं किया तो हम न्यूनतम समय में उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ठीक है, अगर आपको अपने यूज के लिए भी चाहिए तो आपको निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना होगा। कहते ना, चीजें अगर सही ढंग से रखी हुई है, व्यवस्थित है, तो आपको पता कौन सी चीज कहां है, तो आप उसे उठा लेंगे, आप उन्हें यूज कर लेंगे, आप रख देंगे। लेकिन अगर चीजें सही जगह पर नहीं रखी हुई, एक छोटी सी चीज है, आपका पेन, आपका घड़ी, आपकी मोबाइल, आपका चार्जर अगर एक निश्चित जगह पर नहीं है तो आपको ढूंढने में दिन प्रतिदिन जो अगर आप डेली यूजेस आप करते हैं उसमें भी आपको कई सारी समस्या आती है। तो आप सोचेंगे अगर कोई किताब है, कोई रिसोर्स है, कोई संसाधन है, वो आप खुद अपने लिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप यूजर को ढूंढ के कब दे पाएंगे। तो उसे ढूंढ कर देने के लिए आपको उन्हें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। यानी कि हम कहने सीधी सी बात है कि हर एक चीज का स्थान आप निर्धारित कर दें और आप उसी स्थान पर जाकर आप ढूंढ सकते हैं वो चीज आपके पास है या नहीं है। लाइब्रेरी हॉस्पिटलिटी के लिए जानी जाती है, लाइब्रेरी सेवा के लिए जानी जाती है। आप पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, आप लाइब्रेरियंस के लिए आपके रूप में काम करते हैं, आपको अपने यूजर को सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज देनी होती है। तो मैं बात कर रहा हूं उन लाइब्रेरियंस से बात कर रहा हूं जो आज है या फ्यूचर में बनने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज संसाधन बहुत सारे हैं, अगर उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आप उन्हें ढूंढकर जो है अपने यूजर को दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, देखिए जैसा कि बहुत सिंपल सा है, आपके साथ मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की किताबें हैं और हर किताब का शीर्षक आपका अलग है, हर किताब का आपका ऑथर अलग है, हर किताब का सब्जेक्ट आपका अलग है। अब बात यह आती है कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ उन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है और आप उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में पुनः प्राप्त कर लेंगे आप। लेकिन व्यवस्थित करने के लिए आपको क्या पद्धति आपको काम में लेनी है, तो जो भी आप पद्धति काम में लेते हैं ये आपके लिए पुस्तकालय वर्गीकरण कराता है, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कराता है। तो आज मैं दोनों की बात करूंगा, आपसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात भी करूंगा और मैं आपसे लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की बात भी करूंगा, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण। मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये है कि जो सबसे पहली बात करूं मैं वर्गीकरण की बात करूं, वर्गीकरण केवल मात्र लाइब्रेरियंस के लिए है, स्टाफ के लिए है, यूजर के लिए नहीं है। यूजर यानी कि जो उपभोक्ता आपके पास आ रहा है उसको किसी प्रकार से क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आपसे किताब मांगता है, किताब शीर्षक के आधार पर किताब मांग सकता है, ऑथर के आधार पर किताब मांग सकता है या विषय के आधार पर आपसे किताब मांग सकता है। तो आपको इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है क्लास नंबर जनरेट करना होता है। वैसे भी अगर मैं छोटी सी बात करूं तो अगर एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी है या अगर आप किसी प्रकार की पब्लिक लाइब्रेरी, जहां पर भी पुस्तकों को या सामग्री हमारे पास जितना भी है हम उसे जो है हम सब्जेक्ट के आधार पर ही वर्गीकृत करते हैं। हम अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें अलग अलग अलमिराज में अलग अलग सेक्शन में हम लोग जमाते हैं ताकि जब आवश्यकता हो तो हम उसे ढूंढ पाए। तो बहुत सिंपल सी बात करो, अगर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट है आप तब भी आप समझ पाएंगे, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ रखा तब भी बात आपको समझ में आएगी। तो नहीं भी है तो सीधी सी बात है, मेरे पास अगर 1000 किताबें हैं तो कैसे रखनी है, कैसे करेंगे? तो हम उनको सब्जेक्ट याद, फिजिक्स की किताबें अलग, मैथ्स की किताब अलग, सोशल साइंस की किताब अलग है, हिस्ट्री की किताब अलग है, ज्योग्राफी की हम लोग करेंगे। ये काम हमें अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए बनी बनाई स्कीम्स हैं, पद्धतियां हैं, हमें तो केवल उसमें से किसी एक पद्धति को अपनाना है और उसके आधार पर किताबों को जो है क्लास नंबर देना है। क्लास नंबर वही चीज है जिस प्रकार से, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है तो आपका नाम कुछ भी हो, आपका ए से लेके जेड तक आपका कोई भी अल्फाबेट आपका नाम बता, सुरेश, रमेश, कपिल, आपका कुछ भी नाम हो, लेकिन क्लास में टीचर आपको आपके रोल नंबर से पहचानता है, आपसे कहता है ना रोल नंबर 31, 32, 35, रोल नंबर 10, 5, तो आपकी पहचान आपकी क्लास में आपकी पहचान आपका नाम न होके एक पर्टिकुलर आपका रोल नंबर है। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आपको आपके एनरोलमेंट नंबर से पहचानता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आपके आधार नंबर से पहचानती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आपके पैन नंबर से पहचानता है। द सेम थिंग किसी बैंक में जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते आपके मेरे अकाउंट में बैंक आपसे यही पूछेगा, कैशियर जो है आपसे यही पूछेगा कि सर अकाउंट नंबर क्या है, अगर अकाउंट नंबर सही नहीं है या एग्जैक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। द सेम थिंग तो बैंक आपको आपके अकाउंट नंबर से पहचानता है, उसी प्रकार से लाइब्रेरी अपने रिसोर्सेस को अपने क्लास नंबर से पहचानती है। क्लास नंबर कहां से लाएंगे? तीन प्रचलित पद्धतियां हैं। हम चाहे तो पहली पद्धति दैट इज नोन एज डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा चलने वाली पद्धति, मैं फिलहाल आपसे वर्गीकरण की बात करूं, पहली पद्धति डीडीसी का 23वां संस्करण आज की डेट में अवेलेबल है सन 2011। हालांकि आपको इसके बारे में और भी हिस्टोरिकली अगर आपको सीखना है कि वास्तव में क्लास नंबर कैसे बनाना है तो हमने क्लास नंबर बनाने की मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूं और प्रैक्टिकल क्लासेस भी देता हूं यूट्यूब के ऊपर, जहां आप यहां मेरे वीडियो देख रहे हैं नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां पर भी आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। और किसी को ये लगता है कि नहीं मुझे थोरली वास्तविक तौर पर जो है जीवन में क्लास नंबर बनाना सीखना है तो एप्लीकेशन दे रखी, एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर क्लास वाइज जो है हमने एग्जाम्पल के साथ ढेर एग्जाम्पल्स मैंने किए हैं और वहां पर आपको क्लास नंबर बना सिखाया है कि टाइटल कैसा भी हो, कितना भी टिपिकल टाइटल हो, कितना भी इजी टाइटल हो, आप इजीली क्लास नंबर बना सकते हैं। मेथड है और यही जो है एक साइंटिफिक तरीका है जो कि लाइब्रेरी साइंस में सीखने होता है। हालांकि बाकी तो चीजें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ते ही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सीखेंगे तो जीवन में वास्तविक तौर पर अगर आपको कुछ करना है और आपको लगता है कि हाँ मुझे क्लासिफिकेशन आना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरियन है, तो मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत तौर पर आपको जो है कम से कम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की एक एक स्कीम जो है थॉरली आपको आनी जरूरी है, तभी आप जीवन में अपने रिसोर्सेस को अपने संसाधनों को एक निश्चित क्रम में आप व्यवस्थित कर पाएंगे। तो बात हो रही है क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की बात या सूचीकरण की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, तो पहले चीजों को व्यवस्थित करना जरूरी है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये लाइब्रेरियंस के लिए है, कैटलॉगिंग जो है वो यूजर के लिए है ना। तो पहली बात कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की, वर्गीकरण में तीन महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। पहली कौन सी है? सो दिस इज ओनली डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, 23वां संस्करण है, 2011 में 4 वॉल्यूम में जारी हुआ, जिसको हम लोग डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। 1876 में मेलविल डेवे ने बनाया था। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, थ्योरेटिकली आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि पहली स्कीम है। सेकंड नंबर दो पे जो स्कीम है दैट इज नोन एज यूडीसी, इट इज द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, बहुत कम पढ़ाई जाती है लेकिन मेरे हिसाब से जो है बहुत अच्छी और बेहतरीन पद्धति है, सरल है एज कंपेयर टू डीडीसी। हम बात करेंगे तो मैंने यूडीसी के भी कई सारे लेक्चर्स दिए हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन के अंदर थॉरली अगर आपको पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको यूडीसी में सारी टेबल्स अप्रोक्सीमेट 10 टेबल है और 10 ही टेबल को कैसे यूज करना है, कैसे आपको उसके एग्जाम्पल्स क्रिएट करना है वो मैंने आपको बनाना सिखा रखा। आप में से कुछ स्टूडेंट है जो कि जानते भी हैं कैसे करना है, तो एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको डेमो वीडियोस भी और कैसे क्लास नंबर बनाना है उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। तो सेकंड स्कीम कौन सी होगी आपकी? दैट इज नोन एज इट इज यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसी क्रम में हम करते हैं और एक भारतीय पद्धति जो है हमारी दैट इज सीसी यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन, 1933 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सहयोग से जो है बनाई गई। ओके, रंगनाथन ने इस स्कीम को डिजाइन किया और फिर जो है हमने स्कीम को काम मिला। तो आज भी जहां पर भी कहीं पर भी स्पेशल लाइब्रेरीज हैं वहां पर इस स्कीम का प्रचलन है, काम मिला था। ये बात हो गई आपकी क्लासिफिकेशन की। कुल मिला के किताब का कोई भी शीर्षक है, कोई भी ऑथर है, टाइटल उसका कुछ भी कहता है, विषय आपको कुछ भी कहता है, वहां पर एक न्यूमेरिकली या अल्फा न्यूमेरिकल एक नंबर कोड नंबर बन जाएगा। यानी कि वही बात होगी कि आप यूनिवर्सिटी में चले गए और यूनिवर्सिटी में आपका नाम कुछ भी है, पिता का नाम कुछ भी, आप रहने वाले कहीं कर भी हैं, लेकिन आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है और वो एनरोलमेंट नंबर आपकी पहचान होती है। वैसे ही इनमें से किसी भी एक पद्धति का प्रयोग करते हुए, चाहे आप डीडीसी काम में लें, चाहे आप यूडीसी काम में लें, चाहे आप सीसी काम में लें, इन तीनों में से किसी भी पद्धति का प्रयोग करते हुए आप जो है अपनी पुस्तक को, अपनी सामग्री को जो है आप क्लास नंबर दे देंगे। तो क्लास नंबर होगी है ना, मेरा एडमिशन हो गया, मुझे एक रोल नंबर मिल गया, एनरोलमेंट नंबर मिल गया, तो अब मेरा स्थान जो है निश्चित हो गया। मुझे क्लास में जाके मुझे पता है मुझे कहां बैठना है। होता ना आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होता है, तो आप जिस दिन एग्जाम वाले दिन जाते हैं आपको पता है कि मेरा रोल नंबर इसमें है, मुझे कहां पर जाके बैठना, पर्टिकुलर बेंच, जगह, सीट, डेस्क आपकी निर्धारित होती है, आपको वहां पर जाके बैठना। द सेम थिंग
आपकी किताब के ऊपर जैसे ही क्लास नंबर लगा वो लाइब्रेरी में उसका स्थान निश्चित हो गया, उस किताब को कहां जमाना है। यानी कि क्लास नंबर होने के बाद एक नॉर्मल सा इंसान जिसको क्लासिफिकेशन नहीं भी आता है वो भी आपकी पुस्तक को उठाकर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देगा। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन की। अब मैं बात करूं आपसे अंतर की। अंतर यह है सेकंड के, अब हम बात करते हैं कैटलॉगिंग की बात करते हैं, यानी पुस्तकालय सूचीकरण की बात करते हैं। तो सूचीकरण क्या है बेसिकली, देखिए आपको पता है ये क्लास नंबर जितने भी हैं आपको पता, और आपने लाइब्रेरी में समस्त संसाधनों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब बारी है, दुकान सज गई, सारे संसाधन आपने निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब एंटर करता है यूजर आपकी लाइब्रेरी में, यूजर आपके सामने आया और यूजर आपसे आके कहता है सर मुझे पर्टिकुलर किताब चाहिए। क्या मांगेगा वो आपसे, उसको क्या चीज याद है? उसको याद है सब्जेक्ट, उसको याद है ऑथर, उसको याद है टाइटल। तो इन चीजों के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर वो आपसे किताब मांग सकता है कि मुझे रंगनाथन की मुझे कॉलन क्लासिफिकेशन चाहिए, मुझे फला ऑथर की मुझे एक्स वाई जेड बुक चाहिए। तो अगर जो भी उसको किताब चाहिए वो आपसे किताब मांगता है, आपका काम किताब ढूंढ कर उसको दे। लेकिन नहीं तो भी ऑटोमेटेड सिस्टम है कि यूजर को लाइब्रेरियन पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। यूजर चाहे तो कैटलॉगिंग यानी कि पुस्तकालय सूचीकरण की हम लोग बात करते हैं, कैटलॉगिंग की सहायता से जो है पर्टिकुलर किताब को ढूंढकर प्राप्त कर सकता है। उसे यह पता चल जाएगा कि कौन सी किताब जो मुझे चाहिए उस किताब का क्लास नंबर क्या है। यूजर कहां से ढूंढेगा, तो यूजर ढूंढेगा कैटलॉगिंग से। और कैटलॉगिंग के लिए हम हर किताब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनके लिए हम एक कार्ड बनाते हैं, और दैट इज नोन एज द कैटलॉग कार्ड। दो पद्धतियां प्रचलित है, AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल और CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। कैटलॉग कैसी होती है, तो आपने देखा लाइब्रेरी में जब आप एंटर करते हैं इस तरह की आपको एक नजर आता है, ऐसी ड्रॉर होती है जहां पर अगर ड्रॉर आप खींचेंगे उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स लगे होते हैं। वो कार्ड पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। वो कार्ड किस प्रकार से अरेंज होते हैं, तो कार्ड कीवर्ड के आधार पर, टाइटल के आधार पर, ऑथर के आधार पर, या और क्राइटेरिया है, ऑथर टाइटल है, सब्जेक्ट है, ऐसे आपको ऐसे ड्रॉर्स मिलती है आप लाइब्रेरी में जहां जाते हैं जहां कैटलॉगिंग हो रखी होती है पहले से। आप जाएंगे वहां पर, अगर आपको सारी की सारी चीजें जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर वहां पर रहती है, मुझे ऑथर का नाम याद है, मुझे रंगनाथन याद है, तो मैं ऐसा रंगनाथन जाके या रंगनाथन आर से मैं रंगनाथन ढूंढ सकता हूं। मुझे BD शर्मा है तो शर्मा पे जाके मैं BD ढूंढूंगा, मुझे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं ऑथर इंडेक्स से ढूंढ सकता हूं, मैं टाइटल अगर मुझे याद है, तो ये पर्टिकुलर ये सारे ड्रॉर्स इनके अंदर कार्ड्स अरेंज हैं। तो आप उनमें से जो भी कार्ड अगर आपको चाहिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप ढूंढ लेंगे। लाइब्रेरियन आपको हेल्प करता है, एक बार अगर आपको कार्ड ढूंढना सिखा देगा तो अगली बार आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। बड़ी लाइब्रेरी में हम लोग यूजर्स की ये प्रैक्टिस बनाते हैं ताकि वो खुद अपना संसाधन निश्चित जगह पर जाएं और ढूंढकर उसे काम मिले। दो पद्धतियां प्रचलित कौन कौन सी, तो पहली पद्धति आपकी CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ये CCC क्लासिफाइड कैटलॉग ये इंडियन पद्धति है, डॉक्टर एस रंगनाथन ने बनाई है। और इसके अलावा दूसरी पद्धति अगर आप काम में लेना चाहें तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हैं जिसको हम काम में लेकर ये काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग जहां पर मैंने आपको दोनों चीजें बताई, एक मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन और एक आपको बताया कैटलॉगिंग। एक वर्गीकरण है और एक आपका सूचीकरण है। क्या अंतर है दोनों के बीच में, छोटी सी बात करूंगा मैं आपसे कि अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि क्लासिफिकेशन जो है वो लाइब्रेरीज के लिए है, कैटलॉगिंग जो है वो यूजर के लिए है। यूजर को उससे फायदा होगा, यूजर को उससे सहायता मिलेगी। वो पर्टिकुलर कैटलॉग कार्ड निकाल के देखेगा, उस कैटलॉग कार्ड के ऊपर क्लास नंबर लिखा हुआ है, तो वो यूजर को भी अगर आप समझाएंगे तो यूजर कैटलॉग कार्ड पढ़ने के बाद उस क्लास नंबर के आधार पर संसाधन ढूंढ सकता है। ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया आपने, एक मैनुअल सिस्टम बना दिया जहां पर यूजर अपनी लाइब्रेरी में जाएगा और अपने जो उसे आवश्यकता है वो संसाधन ढूंढकर जो है उसे पढ़ सकता है, उसे जारी करवा सकता है, उसे यूज कर सकता है। उसे किसी लाइब्रेरियन पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे कैटलॉग कार्ड पढ़ना आता है, कौन सिखाएगा, तो लाइब्रेरियन सिखाएगा। अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, अपने बर्डन को कम करने के लिए हम लाइब्रेरियन जो है इस प्रकार का काम करते हैं ताकि यूजर अपने हिसाब से जो है अपनी चीजों को ढूंढकर उसको प्राप्त करे। सो दिस इज नोन एज द लाइब्रेरी कैटलॉग। तो दोनों में यही अंतर है। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि पहले क्या है, तो पहले क्लासिफिकेशन, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के कैटलॉगिंग नहीं होगी। क्योंकि क्लासिफिकेशन होगा तो क्लास नंबर आएगा, और क्लास नंबर आएगा तो कैटलॉग कार्ड बनेगा। कैटलॉग कार्ड पर हम क्लास नंबर अंकित करेंगे तभी संसाधनों को ढूंढा जा सकेगा। दोनों में से किसी एक पद्धति को अगर हम काम में ले लें तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपने लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन कर दिया और अगर आप कैटलॉगिंग नहीं कर रहे हैं तो ऐसे क्लासिफिकेशन का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप संसाधनों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, लेकिन पुनः प्राप्ति के लिए आप लाइब्रेरियन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि कैटलॉग कार्ड अगर नहीं है तो ये। तो कहने का मतलब है कि दोनों साथ साथ हैं, दोनों में से किसी एक के न होने से किसी दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। और जब भी आप बनाएंगे या जब भी आप अप्लाई करेंगे, दोनों ही पद्धतियां आपको जो है निश्चित तौर पर व्यवस्थित करना जरूरी है। सो दिस इज क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको बताने की कोशिश करी। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में जुड़े हुए हैं, और अगर आप और भी
क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बारे में और डिटेल चाहते हैं, प्रैक्टिकली अगर आपको करना चाहते हैं तो देखिए दो तीन तरीके हैं अगर आप जुड़ना चाहें तो। एक तो एप्लीकेशन है हमारी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टारगेट हमें हमारे चैनल का नाम है और टारगेट अभी ही हमारी एप्लीकेशन का नाम भी है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तब भी आप हमारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, अगर आप iOS यूजर है तब भी आप हमारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर बहुत सारे वीडियोज जो है, डेमो वीडियोज, फ्री वीडियोज आपको वहां पर अवेलेबल है। किसी प्रकार का कोई डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मैं आपको बता दूं LIS करके और टारगेट अभी हमारा नाम है, टारगेट अभी क्या गया, आप LIS लगाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने पर आपको कंप्लीटली आपको जो भी नेशनल लेवल पर आपकी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्स, एग्जाम्स की डेट्स, प्लस आपके वर्कशॉप्स हैं, रिक्रूटमेंट से संबंधित और बहुत सारे सिलेबस कंटेंट, ई कंटेंट जो है आपको वहां पर मिलेगा। सो दिस इज, दैट इज द बिगेस्ट चैनल है, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और भी कुछ अगर आप चाहते हैं, आप किसी लेवल पे, आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी, एनटीएनएट या कोई भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो भी सॉल्यूशन चाहिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, 7877711987, उस नंबर पर भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें उस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से कंप्लीट है आपको मैं, और इसी प्रकार से अगर और भी किसी प्रश्न के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कोई और टॉपिक जिस पर आपको कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपको सर ये जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में जानकारी चाहता हूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के आधार पर आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। शुभकामनाओं साथ जो है मेसी जो शुभकामनाओं साथ जो है मैं आपसे धन्यवाद लेता हूं या मैं आपसे अलविदा कहता हूं, और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए शीर्षक के साथ। धन्यवाद।